प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा हर बार स्पेशल रहा है। इसकी खास वजह ये भी है कि केदारनाथ से नरेंद्र मोदी का काफी गहरा और पुराना नाता है। इसके साथ ही साल 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने केदार संकल्प भी लिया था। केदार संकल्प पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से केदारनाथ जा रहे हैं। हम इस वीडियो में दो विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला ये है कि केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी का खास कनेक्शन क्या है और दूसरा ये कि केदार संकल्प क्या है। पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ कनेक्शन की। ये जानने के लिए 80 के दशक में जाना होगा। नरेंद्र मोदी उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रचारक थे। प्रचारक रहने के दौरान नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ गए। एकाग्रता और आत्मविश्वास के लिए नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की गुफाओं में तपस्या की। मोदी ने ये तपस्या गरुड़ चट्टी में की थी। केदारनाथ के अलावा भी नरेंद्र मोदी ने प्रचारक रहने के दौरान करीब 2 साल हिमालय की गोद में बिताए हैं। इसलिए भी नरेंद्र मोदी का हिमालय और केदारनाथ से गहरा नाता बताया जाता है। साल 2013 में केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी। हजारों लोगों ने जान गंवाई और कई घर तबाह हुए। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का हवाई दौरा किया और सबसे पहले केदार धाम के पुनर्निर्माण की पेशकश की थी। लेकिन राजनीतिक गतिरोध के चलते वो ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने गुजरात से केदारधाम के लिए ट्रकों में भरकर राहत जरूर भेजी थी। और तो और 15,000 गुजरातियों को भी एक ही दिन में सुरक्षित बचाया था। इसके अलावा एक बार हैदराबाद में की गई रैली में नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए तक की टिकट रखी थी और लोगों से अपील की थी कि वो केदारधाम के लिए पैसे जुटाएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी एक बार जब केदारनाथ गए थे तो वहां गुफा में बैठकर उन्होंने साधना की थी, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ में नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को 5वां दौरा होने वाला है। साल 2017 में 2 बार, 2018 और 2019 में 1-1 बार नरेंद्र मोदी केदार धाम गए। अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का केदार संकल्प क्या है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था। ये संकल्प था केदारनाथ धाम को संवारने का और आदि शंकराचार्य की समाधि को एक ऐसी भव्यता देने का जो केदार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो। नरेंद्र मोदी का ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस मौके को BJP और प्रधानमंत्री इतना विशाल बनाने जा रहे हैं कि आप इसे ऐसे समझिए, जिस वक्त आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होगा उसी वक्त भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों समेत देश के करीब 100 मंदिरों में BJP के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कई साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। केदार संकल्प के तहत करीब 310 करोड़ के परियोजनाएं केदार धाम को सौंपी जा रही हैं। इसमें कई घाटों का पुनर्निर्माण, कई तरह के गेस्ट हाउस, सड़कें और बाकी की कई सुविधाएं शामिल हैं।